सन 1857 में पंजाब की सबसे बड़ी छावनी लाहौर के पास मियांमीर में थी। मियांमीर में गोरे सिपाहियों की तुलना में हिंदुस्तानी सिपाही 4 गुना ज्यादा थे। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के प्रचारकों ने क्रांति की चिंगारियां पेशावर, लाहौर, अमृतसर, जालंधर, फिल्लौर, फिरोजपुर आदि सभी स्थानों में पहुंचा दी थी। पंजाब के हिंदुस्तानी सिपाहियों की योजना ये थी कि सबसे पहले मियांमीर के सिपाही लाहौर के किले पर चढ़ाई करेंगे, इसके बाद पेशावर, अमृतसर, फिल्लौर और जालंधर की पलटने एक साथ क्रांति आरंभ कर देंगी। मियांमीर में रॉबर्ट मॉन्टगोमरी अंग्रेज सेनापति था। वो बहुत चतुर और चालाक था। उसे जैसे ही मेरठ और दिल्ली की घटनाओं की जानकारी मिली, वो तुरंत सावधान हो गया। तभी उसके एक गुप्तचर ने खबर दी कि मियांमीर के हिंदुस्तानी सिपाही भी क्रांति करने वाले हैं। 13 मई 1857 को मियांमीर के परेड मैदान में मॉन्टगोमरी ने 1000 हिंदुस्तानी सिपाहियों को बुलाया। इसके तुरंत बाद तोपखाने सहित गोरे सैनिकों का दल आ गया और उसने हिंदुस्तानी सिपाहियों के दल को घेर लिया। मॉन्टगोमरी ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को आदेश दिया कि वो अपने अपने हथियार नीचे रखते। अंग्रेजों की सेना और तोपखाने से घिरे हिंदुस्तानी सिपाहियों ने मजबूर होकर हथियार रख दिए और चुपचाप अपनी बैरकों में चले गए। लाहौर के किले में मौजूद हिंदुस्तानी सिपाहियों से हथियार रखवाने के लिए एक गोरी पलटन भेजी गई। उसने वहां के सिपाहियों से हथियार रखवा कर किले के बाहर बैरकों में भेज दिया। उधर पेशावर में 24, 27, 51 नंबर की पैदल और 5 नंबर की सवार पलटने 22 मई 1857 को क्रांति का बिगुल फूंकने को तैयार थी। मियांमीर की घटना का समाचार पाते ही अंग्रेज अफसरों ने गोरी सेना के 4 दल पेशावर भेजे और 22 मई की सुबह देशी पलटनों से हथियार रखवा लिए। 22 मई की शाम अंग्रेज सैनिक सावधान थे कि कहीं छावनी या नगर में विद्रोह ना हो जाए, किंतु उसी रात कुछ निहत्थे हिंदुस्तानी सिपाही नगर की ओर जा रहे थे। उन्हें अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया। उसी रात 14 हिंदुस्तानी सिपाहियों को फांसी पर लटका दिया गया ताकि बाकी सिपाही उनसे सबक लें। बैरकों के बाहर तोपें लगा दी गईं। कोई भी हिंदुस्तानी सिपाही बाहर नहीं निकल सकता था। जिसने हिम्मत की उसे तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। पेशावर के पास होती मैदान में 55 नंबर पैदल पलटन थी। इसके सेनापति कर्नल स्कॉटिश वुड को भरोसा था कि उसकी पलटन विद्रोह नहीं करेगी, किंतु पंजाब के अंग्रेज अफसरों ने उन पर दबाव डाला कि पलटन से हथियार रखवा लिए जाएं। इस पर दुखी होकर कर्नल स्कॉटिश वुड ने आत्महत्या कर ली। होती मर्दान की 55 नंबर पैदल पलटन से हथियार रखवाने के लिए पेशावर से अंग्रेजों की सेना आई। 55 नंबर पैदल पलटन किले से भाग निकली। अंग्रेजों की सेना भारी संख्या में थी। उन्होंने कोई 150 हिंदुस्तानी सिपाहियों को मार डाला। जो हिंदुस्तानी सिपाही पकड़े गए उन्हें बाद में तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। इस हृदय विदारक दृश्य का वर्णन अंग्रेज इतिहासकार जॉर्ज विकर्स ने किया है। एक चौरस मैदान के 3 ओर फौज खड़ी थी और चौथी ओर 10 तोपें थी। पहले 10 हिंदुस्तानी सिपाहियों को लाकर तोपों के मुंह से बांधा गया और फिर तोपखाने के अफसर ने अपनी तलवार हिलाई। एक साथ 10 तोपों की गरज सुनाई दी और धुएं के साथ
सिपाहियों के हाथ पांव सिर चारों ओर उड़ते हुए दिखाई दिए। ये दृश्य चार बार दोहराया गया। फिरोजपुर में कंपनी सरकार के गोला बारूद के बहुत बड़े भंडार की रखवाली हिंदुस्तानी सिपाही करते थे। उन सिपाहियों के इरादे जानने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें परेड पर बुलाया। फिर उसी दिन कुछ ही घंटों बाद फिरोजपुर के भारतीय सिपाहियों ने क्रांति शुरू कर दी। अंग्रेजों ने स्वयं गोला बारूद का भंडार जला दिया। जालंधर, फिल्लौर और लुधियाना की देसी पलटनें चुपचाप क्रांति की तैयारी कर रही थी। 9 जून 1857 को आधी रात के समय जालंधर की देसी पलटन ने क्रांति का ऐलान कर दिया। वहां मौजूद अंग्रेज सेना के सिपाही और अफसर घबरा गए। क्रांतिकारी सेना बड़ी शान से लुधियाना की ओर रवाना हो गई। जालंधर की सेना का एक सिपाही फिल्लौर पहुंचा और उसने क्रांति की सूचना दे दी और वो आकर जालंधर की क्रांतिकारी सेना से मिल गई। अब दोनों सेनाएं लुधियाना की ओर बढ़ी। लुधियाना के अंग्रेज अफसरों ने सतलज पर बना कश्तियों का पुल तोड़ दिया। क्रांतिकारी सेना ने रात के समय उस पुल से कोई 3 किलोमीटर दूर से सतलज को पार करना चाहा, लेकिन पीछे से अंग्रेजी सेना ने हमला कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में क्रांतिकारी सेना विजयी हुई।